दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विच अत आधुनिक तकनीक दे नाल लैस रसोई घर तैयार करके संगत दे सपुरद करता गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों तैयार इस रसोई घर में सुंदरीकरण का काम मुकम्मल करने तो बाद कार सेवा वाले बाबा बच्चन सिंह वालों नवी रसोई घर का उद्घाटन किया गया, जिस मगरों लंगर हॉल नू संगत लई खोल दिता गया। इस मौके कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका, तखत श्री पटना साहब कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित सने कमेटी के होर अहुदेदार मौजूद रहे। गुरु हरकृष्ण पातशाह के अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब के विच हुण तक का सब तो आधुनिक जिहड़ा है लंगर हॉल वो बन के तैयार है, विश्व की सब तो आधुनिक लंगर हॉल जिहड़ी बन के तैयार है, हुण संगतां दे सपुरद की जा रही है। देखो मैं सारी संगतां नूं वधाई दिंदा क्योंकि जिस तरीके दे नाल लोग सेवा करते हैं, जिस तरीके दे नाल करोना की महामारी दे विच इत्थों लंगर की सेवावां होईआं, संगत दे विच इच्छा सी कि बहुत वड्डिया तरीके दे नाल आधुनिक तरीके दे नाल मशीनां लाईआं जाण और इहनूं सुंदरीकरण किया जाए। जिस तरीके दे नाल अज तुसीं देख सकते हो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, चाहे सब्जी बनाने की गल हो, चाहे दाल बनाने की गल हो, चाहे प्रसादे बनाने की गल हो, हर चीज़ इन बड़े ऑटोमेटिक सिस्टम के नाल इत्थे किया जा रहा और हाईटेक सिस्टम के नाल इन बनाया गया और जिस तरीके नाल सुंदरीकरण किया गया सारी संगतों का सहयोग है। मैं सारिया संगतों नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा। हित साहब नाल ने, सिरसा जी नाल ने, हित साहब हुण तक का सब तो आधुनिक लंगर हॉल जिहड़ा बन के तैयार है। देखो देर आवे तो दुरुस्त आवे, प्रधान बड़े हुए आ, सारे हुए तो मैं भी इत्थे प्रधान की समय की गल है, पर अज नवे समय च नवी टेक्नोलॉजी पहली बार मैं भी पटना साहब प्रधान हैगा, श्रोमणी कमेटी भी सब जगह है, ये जिते पहला लगने चाहिए से बल्कि उत्थे लेट आ। सब तो पहली टेक्नोलॉजी का पहली रसोई इत्थे बनी है, यह जी इंडिया च मेरा ख्याल बाहर भी कितने होगी। अज जो ये किचन बनी है ये मैं चार पांच खूबियां तुम दसना चाहना, अज ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कम्यूनिटी किचन आ जिहड़ी फुली ऑटोमेटिक भी आ, जिहड़ी फुली एयर कंडीशन भी आ, एयर कूल्ड भी आ, और जिहड़ी हाइजीनिक पद्धर दे उत्ते वर्ल्ड दे किसी भी बेस्ट तो बेस्ट किचन तो बैटर आ। इहदे अंदर सब्जियां कट्टण दीआं भी प्रॉपर ऑटोमैटिक मशीनां ने, सब्जियां छिलण दीआं भी ऑटोमैटिक मशीनां ने, कुक करन दीआं भी ने, फ्रायर भी ऑटोमैटिक ने, कुकर भी ऑटोमैटिक ने, और इहदे अंदर एक सेवादार जिहड़ा है या एक लांगरी जिहड़ा है वह एक लख लंगर नूं बणाउण दा भी कम कर सकदा है, क्योंकि इह सब कुछ ऑटोमैटिक होणा है, चाहे वह फ्रिलर हो, चाहे वह अंदर जो अगर मार मार खुरपे मारते सब ऑटोमैटिक सिस्टम है। इस तरीके प्रशादे तो लैके बर्तन धोन तो लैके सफाई तो लैके हर चीज़ जी ऑटोमैटिक जो असी पहला लंगर बनाते अज वो तो यदि ढाई तो तीन गुणा ज़्यादा कपैसिटी हो गई है, क्योंकि टाइम जोड़ा सी अगर एक घंटा लगता सी तो अज भी मिनट लगते हैं, या कितने पौने दो घंटे या डेढ़ घंटा लगता है जिस काम में अज अद्धा घंटा लगता है, सो ऑटोमैटिक टाइम के नाल यदि तीन गुणा कपैसिटी बढ़ गई। 400 लीटर की है, 400 लीटर की है जी, और इस पहले हमारे बंदे को बहुत मेहनत करना पड़ता था, अब सारे ऑटोमेटिक हैं। ये देखिए ये तो है ना, यहाँ से ये जो बंदे ऐसे ऐसे करते थे ऐसे इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, मैनुअली कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बंदा एक मशीन पे रहेगा और ये एक घंटे में लगभग 3 क्विंटल सब्जी बना देगी। चिमनी से राही है सारा धुआं जिहड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है, और जिस तरह कड़छी का इस्तेमाल किया जाता है उस जिहड़ा ऑटोमैटिक जिहड़ा है वो लगी हुई है, मशीन जिहड़ी है वो अपने आप दाल नूं हिला रही है और अपने आप जिहड़ी है दाल तैयार हो रही है। घंटियां दे विच काम करदे सी, ये मिंटां दे विच काम करेगी, मशीन देख रहे हो आधुनिक मशीन है, इहदे नाल साफ भी साफ सफाई सब्जी की भी होंदी है और कटिंग का काम जिहड़ा घंटियां दा सी वो मिंटां दे विच होएगा। आलूआं दी 50 किलो बोरी नूं अद्धा जां पौणा घंटा लगता सी छिलण वास्ते, वो कड़ तो कड़ मतलब 5 मिनट दे विच आलू छिल के कटण वास्ते तैयार कर। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस उपराले की जी तमाम सराहना की जा रही है, सो संगत जो गुरुद्वारा बंगला साहब पहुँचदिया ने उन्होंने भी जी खुशी है। कैमरा परसन गोविंद शर्मा के नाल जसमीत सिंह, PTC News, दिल्ली।